हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैकल्टी रिलेटेड पोजीशंस के बारे में और जानेंगे इसको फुल डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो देखिए, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपका गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट सी पोजिशन, साइंटिस्ट बी पोजिशन, प्रोजेक्ट वैकेंसीज या बीएससी एमएससी इंट्रेंस रिलेटेड जो भी लाइक नोटिफिकेशन आते हैं उसका वीडियो उसको डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लाइक बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो कंटेंट जो कि सीएसआई जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीपीटी जेआरएफ, नीट या बीएससी एमएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उनके जो कंटेंट है उसे मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो IIT बॉम्बे की तरफ से है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे या आप गूगल पर डालेंगे IITB.ac.in, तो आपको यहाँ पे जो है इस टाइप का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है मिशन मोड फैकल्टी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट IIT बॉम्बे, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन कर रखा। और देखिए यहाँ पे जो है लाइक ये जो पोजीशन है वो स्पेशली निकाली गई हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रेड वन और ग्रेड टू की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल एंड इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में। तो लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2021 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे, तो चाहे वो आपके मोस्टली जितने डिपार्टमेंट हैं IIT बॉम्बे में सब में जो है वैकेंसीज को निकाला गया है, चाहे वो आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, तो यहाँ पे इस टाइप में जितनी भी यहाँ डिपार्टमेंट है सब में वैकेंसीज को निकाला गया है। और जो यहाँ पे स्कूल्स लाइक सैलेस जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, IDS स्कूल ऑफ डिजाइन, वहाँ पर भी और डिफरेंट जो सेंटर्स है वहाँ पर भी वैकेंसीज को निकाला गया है और इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के भी वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन ग्रेड टू टू टाइप्स के यहाँ पे जो है ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो ग्रेड वन की बात करें तो यहाँ पे PhD विथ फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए और आपका यहाँ पे जो है रिसर्च ड्यूरिंग और आपका PhD लीडिंग पब्लिकेशन, अब यहाँ पे आपके जो पब्लिकेशन होना चाहिए वो रेपुटेड जर्नल्स में होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है ग्रेड वन ग्रेड टू पोजीशन इंडस्ट्रियल डिजाइन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे PhD मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आपका जो है 3 ईयर्स का पोस्ट PhD टीचिंग रिसर्च एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेन्ड वाइल परसुइंग PhD, ठीक है। तो पोस्ट PhD आपका मिनिमम 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर हम बात करें स्केल ऑफ पे की, तो यहाँ पे लेवल 12 का आपका जो है पे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 1,01,500 पर मंथ जो है आपको यहाँ पे लाइक की सैलरी दी जाएगी। और आपका जैसे 3 ईयर जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मूव कर दिया जाएगा अकेडमी 11-13A में विद 1,31,400 पर मंथ। दूसरा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है बेसिक पे दिया जाएगा 84,700 पर मंथ और उसके बाद जो है आपको मूव कर दिया जाएगा एकेडमिक लेवल 11 विद 89,900 मंथ और उसके बाद उसके 2 ईयर्स बाद आपको जो है यहाँ पे 92,600 पर मंथ का तक जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपने कब अपना PhD कम्प्लीट किया था, ठीक है, और आपका जो भी CV है वो और आपका जो है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है मैक्सिमम 5 जो है आप उनका जो है रिप्रिंट्स है वो आपको जो है यहाँ पे अटैच करना है। इसके अलावा अगर आपका टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको प्रूफ एज एज प्रूफ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और आपको मिनिमम यहाँ पे 4 रेफरीज जो है वो आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको सेंड कर देना है IIT बॉम्बे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो लास्ट डेट वो 31 अक्टूबर 2021 है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप missionmode2021@IITB.ac.in पर क्लिक करके जो है आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, नो हार्ड कॉपी सबमिशन, सॉफ्ट कॉपी सबमिशन थ्रू ईमेल विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे देखो आपको ऑनलाइन पोर्टल दे रखा है, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म फिलअप करना है, उस पर आपको सारा डिटेल आपका भरना है, चाहे आपका वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपका लाइक PhD लाइक सर्टिफिकेट हो या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पब्लिकेशन, वो सारा जो है आपको ऑनलाइन ही अटैच करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका एज जो है लिमिट 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एज रिलैक्सेस फॉर SC ST OBC NC PW कैंडिडेट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप OBC NCL या SC ST कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ PhD वो सारा जो है आपको यहाँ पे अटैच करना है ऑनलाइन यानी कि अपलोड करना है, तो वो सब जो है आप उसका स्कैन कॉपी अपने पास रख लीजिए। तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि आप जब अप्लाई करें तो आप इसके लिए जरूर पढ़ें ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियरली मैंशन कर रखी है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करनी है, सारा चीज़ें जो है आपको स्कैन करना है, इसलिए आप अपना जो है सारी कॉपी चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स हो चाहे आपका सर्टिफिकेट्स हों वो या जितने भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स हों उसे आप जो है स्कैन करके रख लें ताकि अपलोड करने के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।